उज्जैन में मध्य प्रदेश केमिस्ट एवं ड्रगिस्ट का 2 दिवसीय अधिवेशन आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश भर से आए सदस्यगण शामिल हुए। उज्जैन के अथर्व होटल में मध्य प्रदेश केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन का 14वां अधिवेशन एवं कार्यशाला आयोजित की जा रही है, जिसमें पूरे प्रदेश से सैकड़ों सदस्य पहुंचे हैं। 2 दिवसीय इस अधिवेशन में प्रथम दिवस 15 अक्टूबर को उज्जैन के गणमान्य जनप्रतिनिधियों का सम्मान किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया, उज्जैन महापौर मुकेश टटवाल और उज्जैन उत्तर विधायक पारस जैन शामिल हुए। दीप प्रज्वलित कर सेमिनार का शुभारंभ अतिथियों के द्वारा किया गया। सेमिनार के बाद वार्षिक साधारण सभा हुई। अधिवेशन के दूसरे दिन 16 अक्टूबर को ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष J.S. शिंदे शामिल होंगे एवं विशेष अतिथि के रूप में उज्जैन नगर निगम सभापति कलावती यादव भी उपस्थित रहेगी। इस दिन कोल्ड चेन मैनेजमेंट, GST, गुड डिस्ट्रीब्यूशन प्रैक्टिसेस एवं अन्य विषयों पर एसोसिएशन के सदस्यों के द्वारा चर्चा कर महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। संस्था के मध्य प्रदेश अध्यक्ष गौतम चंद धिंग ने बताया कि संस्था के निर्वाचन भी इस अधिवेशन में संपन्न किए जा रहे हैं। निर्विरोध चुनाव के बाद संस्था में अध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष, संयुक्त सचिव, सहसचिव और PRO की नियुक्ति की जाएगी। साथ ही केमिस्ट व्यवसाय पर ऑनलाइन ट्रेडिंग कंपनियों के द्वारा किए जा रहे आर्थिक प्रहार को लेकर भी चिंतन मनन किया जाएगा। संस्था के महासचिव राजीव सिंघल ने बताया कि पूरे देश में ऑनलाइन बिजनेस के माध्यम से नकली दवाइयों का व्यापार किया जा रहा है, जिन्हें शासन ने भी मान्यता नहीं दी है। इस 2 दिवसीय अधिवेशन में ऑनलाइन पद्धति से व्यापार करने वाली फार्मेसी कंपनियों को भी चिन्हित कर संस्था द्वारा उनका विरोध किया जाएगा। क्या सब्जेक्ट है और किस प्रकार की समस्या है मेडिकल लाइन फेस कर रही है, उसको लेकर डिस्कस होगा। इसमें सभी विद्या के साथियों को का आभार मानता हूँ कि इस अवसर पर यहाँ पर पधारे। ये उज्जैन में केमिस्ट एसोसिएशन का एक ऐतिहासिक प्रोग्राम होने जा रहा है। ये 4 साल में ये अवसर आया है। सन 1975 में यहाँ पर माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रकाश चंद्र सेठी के मुख्य अतिथित्व में यहाँ पर मध्य प्रदेश केमिस्ट एसोसिएशन का गठन हुआ था। उसके बाद उज्जैन को आज ये अवसर मिला है और अवसर मिलने के बाद एसोसिएशन तीव्र गति से आगे बढ़कर एक संगठित रूप में उभरा है। तदुपरांत इस व्यवसाय में काफ़ी चेंजेज आए, काफ़ी परेशानी आ रही है और आज की मीटिंग हमारे आने वाले भविष्य को तय करने वाली है। हम आज की मीटिंग में जो ऑनलाइन व्यवसाय जिस प्रकार से हो रहा है उसमें जनता को क्या नुकसान होने वाला है, जनता की क्या हानि होने वाली है और ये सब हम उस मामले में चर्चा करेंगे और इस ऑनलाइन के व्यवसाय को हम कैसे रोककर हमारे मध्य प्रदेश के 35,000 केमिस्टों का रोजगार सुरक्षित रख पाएं, इस मामले में गहन चर्चा करेंगे। ट्रेड और इंडस्ट्री में भी हमारी चर्चा होगी। जो इंडस्ट्री से हमारी प्रॉब्लम है उस मामले में भी हम महत्वपूर्ण निर्णय लेकर आगे बढ़ेंगे। इसके साथ साथ जिस प्रकार का समय परिवर्तन हो रहा है उसमें हमारे केमिस्ट साथियों की क्या क्या चुनौतियाँ आने वाली है, उन चुनौतियों से हमारा केमिस्ट किस प्रकार निपट सके और हम एक हमारे सारे लोगों का व्यवसाय सुरक्षित रख सकें, उसके लिए हमारा एक ठोस प्रयास होगा और निश्चित रूप से मैं मानता हूँ यह सेमिनार हमको हमारे संगठन को एक नई मजबूती प्रदान करेगा। देखिए, उसमें बहुत सारी विसंगतियां हैं। उस विसंगतियों को समय समय पर हमने अपने संस्था के माध्यम से केंद्र शासन के समक्ष, राज्य शासन के समक्ष संज्ञान में लाया है कि उसमें क्या क्या होता है। नकली दवाएं बिकती हैं, छोटी छोटी बच्चियों को MTP किट का भी वितरण किया जाता है, नशे की दवाइयाँ बिकती हैं, तो उसमें कितनी विसंगतियाँ, ये सारा हमने डिटेल केंद्र सरकार को दी है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा बद्दी में, उत्तरांचल में और जयपुर में और कई जगह ऑनलाइन के माध्यम से जो दवाएं बिकने वाली थी, नकली दवाओं के जखीरे पकड़े गए हैं। उसमें कोई भी केमिस्ट इन्वॉल्व नहीं था, वो केवल ऑनलाइन का चेन था। तो हमारा कहना ये है, जब देश में आज किसी भी व्यवस्था में आप स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं,
आपको अगर कोई दूसरी जींस अगर कोई गलत आ जाएगी तो आप उसको प्रयोग ना करेंगे, लेकिन अगर आपने गलत दवा खा ली या नकली दवा खा ली या कुछ और विसंगति हो गई तो आप अपने आप को जीवन में कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे। हम जन स्वास्थ्य के रक्षक हैं, हमारा हमेशा कर्तव्य रहता है कि जन स्वास्थ्य की रक्षा करें और सरकार को आगाह करते रहें। धन्यवाद। देखिए, जहाँ तक ऑनलाइन ट्रेड की बात है, हमारे अध्यक्ष जी ने जो बताया कि ऑनलाइन ट्रेड हमेशा से अवैध है, ये आज की डेट में भी सरकार के पास, सरकार ने ऐसा कोई कानून नहीं बनाया है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में, ऐसा कोई नियम नहीं बनाया है कि ऑनलाइन व्यवसाय को वैधता प्रदान की जा सके। हमारे देश के और प्रदेश के सारे केमिस्टों ने मिलकर हम लोगों ने अपना प्रतिनिधित्व दिया है और उसको सरकार को बताया है, लेकिन कोविड पूरे देश पूरे विश्व के लिए दुर्भाग्य रहा, तो ये समझें आप कि हमारे केमिस्ट समुदाय के लिए भी कोविड दुर्भाग्य रहा है, क्योंकि कोविड के दुर्भाग्य के चलते सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया और डोर डिलीवरी ऑफ मेडिसिन, जब कोई व्यवस्था नहीं थी घर पहुंच सेवाओं की और केवल दवा की दुकानें, आपने देखा होगा देश में सारे व्यवसाय सारे लॉजिस्टिक फैसिलिटीज़ बंद थी लेकिन केवल दवा के व्यवसाय काम कर रहे थे, तो दवा के व्यवसायियों के मद्देनज़र और पेशेंट की हमको केयर करना थी क्योंकि हम जन स्वास्थ्य के रक्षक हैं, तो देश की सरकार ने एक कानून निकाला कि हम डोर डिलीवरी उपलब्ध करा सकते हैं, पास के केमिस्ट को जनता के डोर पे जनता के द्वार पर दवा उपलब्ध करा सकते हैं। वो अध्यादेश 26 मार्च 2020 का आज भी जारी है और उसी के तहत जो अवैध व्यवसाय हो रहा है, हमने सरकार से मांग किया है कि उस अध्यादेश को वापस लें ताकि ये अवैध ऑनलाइन का व्यवसाय भी बंद हो सके। धन्यवाद। आज के अंक में फिलहाल इतना ही, अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।